हेलो किड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है नटखट पुदकू। अब ये पुदकू कौन है ये तो आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक था तालाब, उस तालाब में बतख अपने दो बच्चों के साथ रहती थी, चिंपू और पुदकू। चिंपू का स्वभाव बहुत शांत था पर पुदकू उससे बिल्कुल विपरीत। वह बहुत ही चंचल स्वभाव का था, वह स्वयं को बहुत ही बहादुर समझता था और किसी की बात नहीं मानता था। माँ उसे बहुत समझाती पर वह सारी बात हंसी में टाल दे। एक दिन तालाब में बहुत से कमल के फूल खिले थे। जब बत्तख के बच्चों ने फूल देखे तो वे बहुत खुश हुए, पर माँ ने उन्हें समझाया, मुझे जरूर कोई गड़बड़ लगती है क्योंकि अचानक से इतने सारे फूल कहाँ से आ गए। चिंपू तो ये बात समझ गया पर खुद को कहाँ समझने वाला था। उसने तालाब में छलांग लगा दी, वह कमल के फूलों के पास जाकर उन्हें देखने लगा, पर तभी पीछे से आकर किसी ने उसकी गर्दन दबोच दी। जानते हो वह कौन था? वह था एक शिकारी। वह बत्तख के बच्चों को पकड़ना चाहता था। तभी पुदकू जोर जोर से रोने लगा, बचाओ बचाओ चिंपू भैया, मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। उन्होंने उसकी आवाज सुन ली और माँ को जाकर सब बता दिया। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, अब हम दोनों को ही कोई उपाय सोचना होगा। मैं चिंपू के लिए पानी में छलांग लगा देती हूँ। माँ ने पानी में छलांग लगाई और शिकारी को चोच मार मार कर घायल कर दिया। इस बार तो मैं जा रहा हूँ, अगली बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको पकड़ लूंगा। और शिकारी यह कहकर वह तालाब से निकलकर जंगल की ओर भाग गया। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। देखा, इस गलती से तुम्हें क्या सीख मिलती है कि आगे से तुम्हें सावधान रहना है। तो बच्चों यह थी हमारी कहानी। आपको भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिला? बोलो बोलो। हाँ, अपने बड़ों का आदर करो, वे हमेशा उनकी बात सुनो और उनकी बात को हमेशा मानो। अगर कभी भी कोई मुसीबत है तो उन्हें बताओ। चलो बच्चों, अब दोबारा मिलेंगे अगली कहानी के साथ। बाय बाय।